लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। चुनाव 8 चरणों में होगा, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, रैलियों में लोगों का धन्यवाद किया जाएगा कि आप मेरे को सुनने आए इतनी भारी संख्या में। कुंभ मेला होगा, यह निर्णय किसने लिए? यह निर्णय आपने लिए, तो सवाल भी आप ही से होंगे। लेकिन आपसे सवाल पूछना एक अपराध हो गया है। आज आपकी वजह से अलग अलग राज्य वैक्सीन निर्माताओं के पास जाकर मोल भाव कर रहे हैं अपने अपने लोगों को वैक्सीन दिलवाने के लिए। क्या ये देश में कभी ऐसा हुआ है? कल को तो एक एक म्युनिसिपैलिटी ये करने लगी। क्या ऐसे देश चलाए जाते? क्या कभी सुना है कि उन्हीं कंपनियों से अलग अलग राज्य अलग अलग कीमत पर वैक्सीन खरीदेंगे और वैक्सीन मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को कोई भरोसा नहीं है, कोई तारीख नहीं। जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तो आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे ना, बन रहे थे ना वैक्सीन गुरु। टीवी पर बड़े बड़े बैनर चल रहे थे, वैक्सीन गुरु नरेंद्र मोदी। तो सवाल तो आप ही से पूछेंगे ना। जब आपको विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक्सपर्ट्स अलग अलग, राहुल गांधी भी एक्सपर्ट से ही बात करके आपको बता रहे, तो जब राहुल गांधी एक्सपर्ट से बात करके आपको बता सकते थे, आपको आगाह कर सकते थे, तो आप क्या एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहे थे? या आप अपने आप को उनसे भी बड़ा एक्सपर्ट समझते? जब सब आपको बता रहे थे कि एक सुनामी आने वाला है, आप जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए लोग कह रहे थे सुनामी आने वाला है, कहां है सुनामी? सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? आज जो जिंदा है वो जिंदा रहने के लिए वैक्सीन की इंतजार में है, जो मर गए हैं वो अंत्येष्टि के इंतजार में है। लाशें नदियों में बहा दी जा रही हैं, नदियों के किनारे पर गाड़ दी जा रही हैं, और आप कहते हैं सवाल मत पूछिए। आज हर मन व्यथित है, हर गांव में मातम है, हर गली में अर्थी उठ रही है, मैयत उठ रही है, हर घर में चिंता है, हर मन में सवाल है। यह सब मौतें रोकी जा सकती थी, इनमें से अधिकतर मौतें रोकी जा सकती थी। यह मौतें कोई कोविड से नहीं हुई, ये कोविड के कुप्रबंधन से मौतें। यह बात सबको मालूम है, आप सब मीडिया के साथी यह बात बार बार यह सवाल उठाते हैं, इससे लोगों में भी यह ज्ञान है कि यह मौतें रोकी जा सकती थी। ऑक्सीजन की कमी एक मानव निर्मित कमी थी, ऑक्सीजन की कमी इस देश में नहीं थी। ऑक्सीजन अस्पतालों में खत्म हो जाए, अंदर जो मरीज हैं वो मर जाएं, बाहर इंतजार कर रहे हैं भर्ती होने की, यह नजारे इस देश ने नहीं देखे। यह सब रोका जा सकता, जरूरी दवाइयों के लिए लोग भटक रहे हो दर दर, उन्हें दवाइयां समय पर नहीं मिल रही हो, जाने जा रही हो, यह रोका जा सकता था। जब आप नीतिगत निर्णय ले रहे थे, तब आपने वो निर्णय लेने की पूरी तरीके को का केंद्रीकरण कर रखा था, वैक्सीन निर्माताओं से मोल भाव आप कर रहे थे, निर्णय आप ले रहे थे कि कौन सी वैक्सीन कितनी वैक्सीन। 162 प्लांट जब ऑक्सीजन के लगने थे 14 राज्यों में जिला अस्पतालों में, उसका टेंडर भी केंद्र सरकार ही निकाल रही थी, जिसमें 8 महीने का विलंब हुआ, यह भी आपने किया। और जब चारों तरफ बर्बादी का माहौल दिखने लगा, तब आप नजरें फेर के कहते हैं कि राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए लोग घंटों ऑनलाइन या बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, कतारों में खड़े हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही। पूरे देश से ये रिपोर्ट्स आप हमें दिखा रहे हैं, हमारे अपने कार्यकर्ता बता रहे हैं, हमारे अपने घर परिवार के रिश्तेदार मित्र साथी सब बता रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी? सवाल किससे पूछे जाएंगे?